चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। डर का माहौल है हिंदुस्तान में। जो कमल फॉर्मेशन वाले लोग हैं उनको हिंदुस्तान का नेचर नहीं समझ आया। हिंसा नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है, चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है। हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है जानते हो आप? मैं बताता हूँ सर, शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संगा में कोई भी आ सकता है सर। मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने लिया, आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं।